हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी फर्स्ट ईयर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स समाजशास्त्र का। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच पाए जाने वाले संबंध एवं अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, समाजशास्त्र जो है कैसा विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है और वो समाज के जो सभी विषय हैं उनको अपने में समेटे हुए हैं। यानी जहां समाजशास्त्र क्षेत्र विस्तृत है वहीं और जो सामाजिक विज्ञान है उनकी जो क्षेत्र है वो इतने विस्तृत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरे समाज से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वहीं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत एक निश्चित या विशेष रूप से उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो उनसे संबंधित हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जहां पूरे मानव समाज का अध्ययन करता है, पूरे मानव समाज की क्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, विपणन, विनिमय, उपभोग इत्यादि प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि धन से संबंधित है उन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। स्टूडेंट्स आज हम समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो संबंध पाए जाते हैं, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पाए जाने वाले संबंधों एवं अंतर का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जो घनिष्ठ रूप से संबंधित है, निश्चित रूप से समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, इसीलिए वो सभी विज्ञानों या सभी सामाजिक विज्ञानों को जो है अपने में समेटे हुए हैं। राजनीति विज्ञान की रुचि जो है मुख्यतः किसमें होती है स्टूडेंट्स? सत्ता के अध्ययन, सत्ता शक्ति इत्यादि का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा इसमें राज्य तथा राजकीय प्रशासन का अध्ययन भी किया जाता है। इस रूप में राजनीति विज्ञान जो है एक संगठित विज्ञान है। कैसा विज्ञान है स्टूडेंट्स? संगठित विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी ये संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे सत्ता या शक्ति ले लीजिए, सत्ता या शक्ति जो है एक रूप से व्यक्तियों को, मानव समाज को संगठित करने का कार्य करती है, मानव समाज को संगठित करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान जो है संगठित मानव समाज का अध्ययन करने का कार्य करती है। और ये जो संगठित मानव संबंध होते हैं ये किसका एक भाग है? ये सामाजिक संबंधों का ही एक भाग है। किसका एक भाग है स्टूडेंट्स? सामाजिक संबंधों का ही एक भाग है। यानी राजनीति विज्ञान जिन संगठित मानव समाज या जिन संगठित मानव संबंधों का अध्ययन कर रहा है वो संगठित मानव संबंध जो पूरे समाज की जो मानव समाज की जो सामाजिक संबंध है उनका ही एक हिस्सा है। तो इस रूप में दोनों विज्ञान जो है क्या है? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध जो कि राज्य से संबंधित हो रहे हैं उनका अध्ययन करता है,
किसने कहा है? गार्डनर ने, गार्डनर ने कहा है समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि ये सभी मानव संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी बजाय जो राजनीति शास्त्र है वो संगठित मानव संबंधों यानी सत्ता शक्ति इत्यादि का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बुरे मिले हुए, न तो राजनीति शास्त्र के द्वारा और न ही समाजशास्त्र के द्वारा पूरे मानव समाज का संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए दोनों शास्त्र के लिए एक दूसरे का जो सहयोग है वो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही एक दूसरे के जो विषय होते हैं या एक दूसरे का जो ज्ञान होता है स्टूडेंट्स, उस ज्ञान का अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। यानी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मानव की सभी प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, सभी प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। वही राजनीति शास्त्र जो है वो व्यवहार, मतदान व्यवहार, राजनीतिक आंदोलनों, निर्णय प्रक्रिया आदि का अध्ययन करता है। तो ये विस्तृत रूप है समाजशास्त्र मानव समाज का, जबकि ये राजनीति शास्त्र जो है उसका एक हिस्सा है, उसका एक भाग जो है उसका अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में दोनों एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट्स, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के अंतर्गत घनिष्ठ रूप से संबंध तो पाया ही जाता है, लेकिन इस संबंध के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें कुछ अंतर भी जो है वो देखने को मिलते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ अंतर पाए जाते हैं। उन अंतर को स्टूडेंट्स हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अंतर जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है प्रकृति का अंतर। कौन सा अंतर आता है स्टूडेंट्स? प्रकृति का अंतर। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमें समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है एवं उसकी प्रकृति का अध्ययन किया। हमने क्षेत्र के अंतर्गत भी ये जाना स्टूडेंट्स कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो दो भागों में विभाजित है, एक तो सामान्य विज्ञान या स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशेष विज्ञान के रूप में और एक समन्वयात्मक संप्रदाय या फिर सामान्य विज्ञान के रूप में। तो इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और ये सभी सामाजिक विज्ञानों से कुछ न कुछ ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में ये एक ऐसा विज्ञान है स्टूडेंट्स, सामान्य विज्ञान है। साथ ही साथ जब हमने प्रकृति को जाना समाजशास्त्र, तो प्रकृति के अंतर्गत भी हमने स्पष्ट किया था स्टूडेंट्स कि समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, यानी ये विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्यों आता है स्टूडेंट्स विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत? क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है? वैज्ञानिक है। जबकि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? समाज की केवल एक पक्ष का अध्ययन करता है, यानी समाज का जो केवल राजनीतिक पक्ष है उस राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से दोनों की प्रकृति में अंतर हो गया कि समाजशास्त्र जो है कैसा विज्ञान है ये, इस यानी इसकी प्रकृति जो कैसी है सामान्य है। क्यों है सामान्य? क्योंकि सभी को अपने
अपनी नींव समाये हुए है, लेकिन राजनीति शास्त्र जो है समाज की केवल राजनीतिक पक्ष या फिर यूं कह लीजिए राज्य की उत्पत्ति व्यवस्था तथा विकास से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान होगा। कौन? राजनीति विज्ञान, यानी प्रकृति के रूप में ये सामान्य प्रकृति हो गई और राजनीति विज्ञान की विशेष प्रकृति हो गई, यानी ये कुछ विशिष्ट घटनाओं या समाज के एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने की वजह से विशेष विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है अध्ययन विषय का अंतर। किसका अंतर? अध्ययन विषय का अंतर। समाजशास्त्र में मैंने आपको बताया समाज के जो सभी सामाजिक संबंध हैं, उन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे संबंध जो है संगठित हो, चाहे वे संबंध कैसे हो, विघटित हो, संगठित या विघटित, दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जहाँ समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज के जो कुछ पहलू हैं, सामाजिक संबंध के संगठित पहलू हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है, वहीं समाज में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं जो कि समाज को विघटन की ओर ले जाती है, जैसे कि आतंकवाद वगैरह या और भी बहुत सारी समस्याएं, उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी क्या कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संगठित एवं विघटित रूप दोनों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसकी बजाय मैं आपको बताया कि राजनीति विज्ञान जो है वो मानव समाज के केवल संगठित सामाजिक संबंधों या संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, यानी सत्ता शक्ति इत्यादि कैसे संबंध हैं, संगठित मानव संबंध हैं, तो ये संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसकी बजाय समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के संगठित एवं विघटित दोनों ही प्रकार के संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है तथ्यों का अंतर। इसका अंतर स्टूडेंट्स, तथ्यों का अंतर, यानी राजनीति शास्त्र जो है सामान्य तथ्य को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि अर्थ समाजशास्त्र जो है वह सूक्ष्म तथ्यों की खोज करता है। सामान्य तथ्य जानेगा राजनीति शास्त्र, ऊपरी तथ्य देखे, जानकारी प्राप्त की और तथ्यों का संकलन कर लिया, ऊपरी तौर से उसे अंदर से कोई लेना देना नहीं, वास्तविक रूप में तथ्य हैं किस प्रकार की हैं, कैसे हैं, उनसे राजनीति विज्ञान को कोई लेना देना नहीं है। इसकी बजाय जो समाजशास्त्र है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने का प्रयास करता है। कैसा अध्ययन करने का प्रयास करता है? सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने का प्रयास जो है वो कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वो यही जानने का प्रयास करता है कि समाज में व्यक्ति रहता है तो वो राजनीतिक प्राणी क्यों बना। राजनीति शास्त्र सिर्फ सामान्य तथ्यों को जाना उसने, लेकिन समाजशास्त्र ने सूक्ष्म अध्ययन किया कि यदि कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए राजनीतिक प्राणी बन रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, यानी कार्य कारण संबंधों की खोज करना, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन प्राप्त करने का कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट, समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट, वो आता है संबंधों का
उनके आधार पर कि वर्तमान में किस प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, किस प्रकार की सामाजिक दशाएं हैं, उनके आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करता है। वो ऐसा नहीं है कि कल्पना करेगा और कल्पना करके आने वाले समय के बारे में या भविष्यवाणी कर देगा, ऐसा नहीं है। यानी मुख्य रूप से समाजशास्त्र क्या करता है, वर्तमान सामाजिक दशाओं से संबंधित है और वह वर्तमान सामाजिक दशाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है, यानी वह भविष्यवक्ता नहीं है। वह किससे संबंधित है, ओनली वर्तमान से संबंधित है, कौन, समाजशास्त्र। इसकी बजाय राजनीति शास्त्र को हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये कैसा विज्ञान है, राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है स्टूडेंट्स, आदर्शात्मक विज्ञान है। क्यों, क्योंकि वह वर्तमान का तो अध्ययन करेगा ही और वर्तमान के साथ साथ वह इस बात पर भी बल देता है कि भविष्य में राज्य की नीतियां और व्यवस्थाएं जो है वो कैसी होनी चाहिए। समाजशास्त्र वर्तमान से संबंधित है, ये आने वाले भविष्य की भी व्याख्या करने का प्रयास करता है और ये बताता है कि राज्य की नीतियां व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अधिकार पाए जाते हैं उन अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए और आने वाले समय में यानी भविष्य में सरकार का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, प्राचीनता का अनुभव। इसका अंतर प्राचीनता का अंतर, यानी समाजशास्त्र जो है वो राजनीति विज्ञान से पुराना विषय है, यानी प्राचीन विषय है। अधिक प्राचीन कौन है, समाजशास्त्र, क्योंकि समाज का निर्माण तो स्टूडेंट्स पहले ही हो चुका है। किसी न किसी रूप में हमेशा से समाज पाए जाते रहे थे, पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे, किंतु राजनीति विज्ञान जो है उसका जो राजनीतिक क्रियाएं है उनका जो प्रारंभ है वो समाज के निर्माण के बहुत बाद में हुआ। यानी सिंपल वे में यूं कह लीजिए कि राज्य का जो निर्माण है वो समाज के निर्माण के बहुत बाद हुआ, क्योंकि पहले समाज विकसित हुआ, इसके बाद ही उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक क्रियाएं हैं उनका संपादन हुआ। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है इनके अंतर्गत स्टूडेंट्स वो है क्षेत्र का। इसका अंतर स्टूडेंट क्षेत्र का अंतर, यानी राजनीति विज्ञान क्या करता है, मनुष्य की जो केवल संघ यानी संगठित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी राजनीतिक संघ जो होते हैं उन राजनीतिक संघों का अध्ययन करने का प्रयास जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सभी प्रकार के जो मानवीय संघ हैं उन मानवीय संघों का अध्ययन करने का जो प्रयास है स्टूडेंट्स वो किसके अंतर्गत किया जाता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस रूप में इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया, सभी मानवीय संघ सभी प्रकार के मानवीय संबंधों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु है या समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी बजाय जो कि वह राजनीतिक संघ है उनका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस रूप में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जहाँ एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है स्टूडेंट्स, वहीं इनमें कुछ न कुछ अंतर जो है वो अवश्य पाया जाता है।